संविधान को नहीं मानते, जनता के जनादेश का सम्मान नहीं करते और अपनी बात को थोप करके जनता को प्रभावित करने की, गुमराह करने की चेष्टा करते हैं। और उसी चेष्टा के तहत आपने देखा होगा कि टीटी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने मंत्री की शपथ दिलाई। सबसे पहला तो हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि आप आदर्श आचार संहिता लगने के बाद में कोई घोषणा नहीं कर सकते, कोई मतदाताओं को प्रभावित करने वाला कोई काम आप नहीं कर सकते, आप एक स्कूल में विषय नहीं खोलने की घोषणा कर सकते, और आपने इतना बड़ा उल्लंघन आचार संहिता का और संविधान का किया है कि आपने तो जनता को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया। जनता के जनादेश की आपने प्रतीक्षा ही नहीं की और आपने कह दिया कि इसको वोट देने, क्योंकि इसको हमने मंत्री बना दिया है। जनता ने इसको बहुत अदरवाइज लिया है कि भाई हमारा क्या रोल है, फिर हम क्यों जिताएं? आप तो बिना जिताए हमारे वोटों की परवाह किए बगैर ही आपने तो मंत्री बना दिया, और मंत्री तो टीटी साहब को पहले भी दो बार बनाया था, और यही श्री करणपुर की जनता है जिसने उनको आईना दिखा दिया था। मंत्री रहते हुए दोनों बार वो चुनाव हारे थे, पिछली बार तो शायद तीसरे स्थान पे भी रहे थे। तो ये जो कृत्य उन्होंने किया है, मैं समझता हूं जनता में इसका भारी रोष है, और भारी मतों के साथ में रूपेंद्र सिंह कुन्नर जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये पर्ची सरकार राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है, भजन लाल की सरकार नहीं है, ये पर्ची सरकार है। ये दिल्ली से पर्ची आती है, आपने सबने देखा, मीडिया के भाइयों ने देखा होगा, जैसे पिक्चर में होता है ना वो अलीबाबा और 40 चोर में, खुल जा सिम सिम, ऐसे खुल जा पर्ची। पर्चियों का हिसाब किताब कर लें, क्योंकि बहुत सारी पर्चियां खंगाल करके बहुत सारे लोगों को उन पर्चियों में जो हिसाब किताब है उसके आधार पर जेल में जाने की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। टीटी साहब को मंत्री बनाने का भी काफी विरोध कर रही कांग्रेस। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान प्रदत्त अधिकार है, इसको विरोध करने की आवश्यकता क्या? हम तो चाहें तो हम अगर चाहें आचार संहिता का कस्टोडियन कौन है? कांग्रेस पार्टी है, चुनाव आयोग है। लेट द चुनाव आयोग टेक ए कॉल ऑन दिस। चुनाव आयोग को अगर लगेगा आचार संहिता का उल्लंघन है, वो अपने आप इसके ऊपर संज्ञान ले लेगा, कार्रवाई करेगा। उसकी चिंता जो है डोटासरा साहब क्यों कर? और ये संविधान प्रदत्त व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को जो है मंत्री बनाया जा सकता है, विद इन 6 मंथ्स उसको चुनाव चुन करके आना है। अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय कर दे, हम सोडी साहब को मंत्री बना देंगे, 6 महीने बाद देखेंगे उसके बाद कहां से इनको चुनाव लड़ना। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।